लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामकरण प्रस्ताव पर बीजेपी और शिवसेना के बीच ठन गई है। असल में जब से सिडको ने एयरपोर्ट को स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का नाम प्रस्तावित किया है, तभी से प्रकल्पग्रस्त और बीजेपी एयरपोर्ट को दीवा पाटिल का नाम दिलाने के प्रयास में जुटे हैं। 10 जून को प्रकल्पग्रस्त मानवीय श्रृंखला आंदोलन की तैयारी में है। हालांकि शिवसेना और महाविकास आघाड़ी दलों का खुला आरोप है कि बीजेपी दीवा पाटिल के नाम पर राजनीति कर रही है। आज खारघर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना के सीनियर लीडर बबन दादा पाटिल ने कहा कि शिवसेना दीवा पाटिल के विरोध में नहीं, लेकिन बाला साहब ठाकरे उनसे महान है, इसलिए एयरपोर्ट पर सिर्फ बाला साहब ठाकरे का ही नाम लिखा जाएगा। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रहा ये वही नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसके नामकरण प्रस्ताव ने नई मुंबई और रायगढ़ की राजनीति को गरमा दिया है। स्थानीय प्रकल्पग्रस्त इस एयरपोर्ट को दीबा पाटिल का नाम दिलाना चाहते हैं। इसे लेकर 10 जून को मानव श्रृंखला आंदोलन करने वाले हैं। बीजेपी ने इसे अपना खुला समर्थन दिया है। हालांकि शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के नेता इसे बीजेपी की राजनीति करार देते हुए खिलाफत में उतर गए हैं। आज खारघर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना नेता बबन दादा पाटिल ने जोर देकर कहा कि बीजेपी नेता रामसेठ ठाकुर प्रकल्पग्रस्तों की भावनाओं को आधार बनाकर दीबा पाटिल के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। शिवसेना नेता ने कहा कि हम दीबा पाटिल का सम्मान करते हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे उनसे महान है, इसलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाला साहब ठाकरे का नाम दिला कर रहेंगे। दीबा पाटिल का नाम राजनीति वो कर रहे, राजनीति नहीं करता तो हम लोग को भी साथ लेके मुख्यमंत्री का एकनाथ शिंदे का मीटिंग होता था तभी हम उनके आपस जाता था, तो अभी उनको राजनीति करने का था इसलिए एकनाथ शिंदे को मिला नहीं, सीएम साहब को मिले नहीं, उसका पहला ही उसने प्रोग्राम जाहिर कर दिया, ठहराव बाला साहब का हो गया, बैनर तुम गलत लगा रहे, इसलिए आम्हाला भी आम्ही शिवसैनिक आहे ना, शेवटी आम्ही रस्त्यावरचे आहोत, उत्तराला उत्तर आम्हाला द्यायलाच पाहिजे। कॉन्फ्रेंस में शेकाप नेता बालाराम पाटील, कांग्रेस नेता महेंद्र घरत और एनसीपी नेता प्रशांत पाटील खास तौर पर मौजूद थे। महाआघाड़ी के नेताओं ने भी दोहरी भूमिका दिखाते हुए बीजेपी और प्रकल्पग्रस्तों के आंदोलन का विरोध किया। वहीं एक सवाल के जवाब में शिवसेना नेता बबन पाटील ने कहा कि सरकार ने एयरपोर्ट के लिए सिर्फ बाला साहब का नाम प्रस्तावित किया है, अभी फैसला होना बाकी है, इसलिए सरकार के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अभी कहा कि यदि बीजेपी आंदोलन के नाम पर राजनीति करेगी तो शिवसेना इसकी खिलाफत करते रहेगी। बाला साहब बहुत बड़ा आदमी है, वैसा दीबा पाटिल में भी रायगढ़ में हमारे मन में दोनों है। शासन ने बाला साहब का नाम लिया वो एयरपोर्ट को दिया, हम उनके साथ रहना, शासन दीबा पाटिल के देगा मुख्यमंत्री जो, हम उनके साथ रहे, हमको झगड़ा बिगड़ा नहीं मांगते है, जो शासन निर्णय लेगा उसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।